नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डीबी न्यूज में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बुलेरो ड्राइवर अमजद द्वारा दूल्हे के चाचा को गाड़ी से रौंदकर हत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी अमजद को गिरफ्तार कर लिया है। विंध्याचल कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घटना के बाद आरोपी अमजद की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस अब अमजद से पूछताछ कर रही है। दरअसल विंध्याचल थाना क्षेत्र अंतर्गत महोखर गाँव के पास कोलाही के रहने वाले राजेश धर दुबे अपने भतीजे की शादी से मिर्जापुर शहर से वापस घर लौट रहे थे। परिजनों का आरोप है कि बुलेरो चालक अमजद ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को गाली दी, जिसका राजेश ने विरोध किया। इस पर राजेश और अमजद के बीच बहस हुई। परिजनों का आरोप है कि विरोध जताने व बहस करने पर अमजद ने राजेश को बुलेरो से रौंदकर हत्या कर दी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर विंध्याचल कोतवाली में अमजद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।